प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना संक्रमण अचानक से बढ़ने के बाद नगर निगम और प्रशासन पूरी तरह से सावधानी बरतने लगी है। सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे वाराणसी का मदनपुरा इलाका है, क्योंकि यहां पे बड़ी संख्या में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए जमात के लोग मिले हैं, जिनमें से अब तक 5 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। अकेले 6 से 5 लोग का कोरोना संक्रमित होना प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। यह वजह है कि मदनपुरा और इसके आसपास के क्षेत्र के हॉटस्पॉट और बफर जोन में कन्वर्ट करने के बाद अब यह चेन्नई से मंगाए गए गरुण ड्रोन से सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। नगर निगम वासी ने यह स्पेशल ड्रोन विशेष रिक्वेस्ट पे मंगवाया है। चेन्नई से दिल्ली और फिर दिल्ली से बनारस पहुंचे ड्रोन ने आज मदनपुरा और इससे सटे कई इलाकों में सैनिटाइजिंग का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सौर न्यूज इंडिया। सर, अभी ये जो ड्रोन है, ये क्या उड़ाया जा रहा है, कितनी कैपेसिटी है इसकी और क्या मुहिम चलाई जा रही है? क्योंकि हमारा ये मदनपुरा और बंगाली टोला और क्या कहते हैं कि जंगमबाड़ी क्षेत्र में कुछ बफर जोन क्षेत्र घोषित किया गया और एक खास स्पॉट जोन पहले से ही मदनपुरा रहा है, तो इसको देखते हुए कि चूँकि गंभीर है स्थिति और एक दो मरीज और संज्ञान में आए हैं, जिनको देखते हुए हम लोगों ने इसको जो है एक बफर क्षेत्र घोषित करते हुए और हॉट स्पॉट मदनपुरा को देखते हुए हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजर कराने के लिए ये व्यवस्था बनाया गया है, और जिससे कि सभी क्षेत्र को चूँकि लोगों को अंदर ही उसको सुरक्षित करने के लिए कि लोग बाहर न निकले और क्षेत्र में किसी तरह कोरोना का विस्तार और आगे न बढ़े, इसको दृष्टिगत हम लोगों ने। ये कहाँ से आया हुआ और क्या कैपेसिटी है इसकी? इसकी कैपेसिटी ये है कि लगभग इसमें जो एक बार में 10 लीटर का जो है इसमें घोल तैयार किया जाता है, और ये लगभग आप समझिए कि अराउंड जो है 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये कवर करता है, और इसके माध्यम से जो हमारा ये हॉट स्पॉट एवं जो बफर क्षेत्र है इसको द्वारा हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि इसका फैलाव ज़्यादातर न हो पाए और हम लोग इसको कोरोना पे अपना नियंत्रण रख सकें। सौर न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।